Ma'am, can you hear me? Okay. Yes, Chandni, go ahead. वार्म वेलकम टू एवरीवन। आप सबका मैं हृदय पूर्वक स्वागत करना चाहूंगी आज के वेबिनार में। तो पहली बात तो ये कि आज क्या है, आज 28 मई है। तो आज का दिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के तौर पर मनाया जाता है। तो पहले तो आप सब अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आप सब ने एक स्टैंड लिया है एक ऐसे टॉपिक के लिए जो सबसे ज़्यादा अनटॉक्ड है। वो है मासिक मेंस्ट्रुएशन एंड पीरियड्स। इसके बारे में लोग बात ही नहीं करते। अब जिस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते, कोई डिस्कस ही नहीं करता है, तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? एंड ऐसे सोसाइटी में सर्वाइव करना महिलाओं के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। इवन इन दिस 21st सेंचुरी महिलाएं खुद हिचकिचाती है इस चीज़ के बारे में बोलने से। तो आज ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक स्टेप लिया है आप सबको मासिक के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। हमारी आज की थीम है मैन फॉर वुमेन, मतलब इस बार हमने पुरुषों को इनवाइट किया है इस सेशन के लिए, ताकि वो महिलाओं को समझ पाए जब वो मासिक में होती है। हमारी ये इवेंट MHDA 2021 में रजिस्टर्ड है एंड रिकग्नाइज है। MHDA एक ग्लोबल अथॉरिटी है। उनका एम है कि वो 2030 मतलब 2030 तक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं कि किसी लड़की को पीछे नहीं हटना पड़े जस्ट बिकॉज वो मासिक से गुजरती है। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़े इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी। हम हमारे माइक एंड वीडियो ऑफ रखेंगे ताकि सेशन में कोई डिस्टरबेंस ना हो, और सेशन आधे से छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक कोई बहुत ही जेन्युइन रीजन ना हो। मैं आप सबका ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से स्वागत करती हूँ। हमारे आज के तीन गेस्ट डॉक्टर निहल मैम, डॉक्टर उषा वलादरा मैम एंड डॉक्टर मुकेश जगेवाला सर, आपका भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम सर, वेलकम मैम। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी प्रेयर से। निहल मैम, कैन यू प्लीज स्टार्ट द प्रेयर? ओके, तो क्विकली थोड़ा ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो हमारा जो ट्रस्ट है वो एक NGO है जो महिलाओं के लिए काम करता है अलग अलग एरिया में। एजुकेशन है, हेल्थ है, हाइजीन है और बहुत सारे एरियाज हैं। हम पहले भी काफ़ी इवेंट्स एंड वेबिनार्स, इंस्टाग्राम लाइव सेशन, कॉम्पिटिशन्स एक्सेट्रा कर चुके हैं। हमारा NGO रिसर्च पे भी फोकस करता है एंड उसके लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। मैंने ऋतुजा से एज एन इंटर्न अभी 1-2 महीने पहले ही अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था और उसे इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी किया गया था। सो हमारा फोकस रिसर्च पे भी है ताकि हम और अच्छी तरीके से काम कर पाए। अभी ऑनगोइंग प्रोग्राम जो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है वो है गाइडेड रिलैक्सेशन। हफ्ते में 3 दिन होता है, मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे। इसमें कोई भी जुड़ सकता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। भविष्य में भी हम काफ़ी इवेंट्स अरेंज करने वाले हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल डे, जिसके लिए हम एक लाइव सेशन करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर, एक वेबिनार रखने वाले हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक के लिए, एक ऑनलाइन रिगार्डिंग रीडिंग सर्कल भी स्टार्ट करने वाले हैं, और भगवद गीता का हमारी रोज बेरोज जिंदगी में जो भी रोल है उसका भी सेशन अरेंज करने वाले हैं। हमारा NGO
चैरिटी पर्पस के लिए हैंडमेड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी सेल करता है। अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब मैं हमारे आज के गेस्ट एंड स्पीकर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। फर्स्ट स्पीकर है डॉक्टर नेहल शाह। नेहल मैम ऋतुजा एनजीओ के फाउंडर एंड ट्रस्टी है। मैम 8 साल से श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट सूरत में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। उन्होंने मेंस्ट्रोपीडिया कंपनी से ट्रेनिंग भी ली है और उन्होंने 5 रिसर्च पेपर्स लिखे हैं एंड उन्हें रेप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिश भी किया गया है। ऑल्सो मैम इंडियन रेड क्रॉस के लाइफ मेंबर भी है। हमारे आज के सेकेंड गेस्ट है डॉक्टर उषा वलाद्रा मैम। उषा मैम एक गायनेकोलॉजिस्ट है प्रोफेशनली। मैम 15 साल से एडोलेसेंट हेल्थ कमिटी फॉक्सी के मेंबर है एंड ऑल्सो मैम टीनेज गर्ल्स केयर क्लिनिक चला रहे हैं हफ्ते में एक बार एट उषा किरण नर्सिंग होम पार्ले पॉइंट सूरत। हमारे थर्ड गेस्ट है डॉक्टर मुकेश जगीवाला सर। सर एक साइकाइट्रिस्ट है प्रोफेशनली एंड सर सूरत डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस के फॉर्मर सेक्रेटरी एंड गुजरात स्टेट रेड क्रॉस के करंट ट्रेजरर भी है। एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट सर की मैं बताना चाहूंगी कि सर ने 158 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है एंड स्टिल काउंटिंग। ऑल्सो सर को रिसेंटली 23 मई को बॉम्बे साइकाइट्रिक सोसाइटी के ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है फॉर मेंटल हेल्थ एंड कम्युनिटी वर्क। आई वेलकम एवरीवन वंस अगेन। आगे का सेशन में डॉक्टर नेहल मैम को हैंड ओवर करना चाहूंगी। थैंक यू जानवी। So again, very warm welcome to all the participants. There are many gynecology doctors also today with us, apart from Usha ma'am and Jagiwala sir. So a very hearty welcome to all. And मुझे आप लोगों के साथ बहुत सारा कुछ discuss करना है। समय बहुत कम है तो ज़्यादा हम formalities पे wait नहीं करेंगे, सीधा ही session को आगे लेके जाएंगे। इट इज़ गुड टू सी लॉट ऑफ पीपल आर देयर विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया था, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म काफ़ी लोगों ने जिसमें अपने क्वेश्चंस डाले हैं, तो कोशिश रहेगी कि सबके क्वेश्चंस इस सेशन में कवर हो जाए। तो आज हम सेशन को कैसे लेंगे, मैं आपको थोड़ा बेसिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा बताऊंगी, और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जिन जिन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कवर अप हो जाएं। और मैडम उषा मैडम बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, शी विल बी सपोर्टिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू जो भी प्रॉब्लम्स हैं लेडीज, नो गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको वो कवर अप करेंगी। और मुकेश जगीवाला सर विल कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में सभी, क्योंकि यहाँ आज के सेशन में लड़कियों से ज़्यादा लड़के ज़्यादा हैं, और उनकी हमेशा ये कंप्लेन रहती है कि लड़कियों का नेचर समझ में नहीं आता, पता नहीं कब इनका मूड बिगड़ जाता है और कब इनका मूड अच्छा हो जाता है। तो सर विल बी टॉकिंग मोर अबाउट मूड स्विंग्स ड्यूरिंग पीरियड्स, उसके बारे में सर बताएंगे कि क्यों इतना साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है। सो मैं अपना स्लाइड शेयर करूंगी। जानवी कैन यू जस्ट स्टॉप प्रेजेंटिंग, थैंक यू। So this is what we are supposed to talk, and we are very happy to have all the men here coming forward for this particular session. So because aap logon ne itna apna encouragement, maine apna courage dikha ke aap hamare session mein aaye hain, to hum aapko khali haath nahi jaane denge. To WhatsApp group mat chhodiyega, kyunki maine aap logon ke liye bahut sara literature bhi इकट्ठा किया है टू सेटिस्फाई योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाले हैं। कोशिश करेंगे कि सब कुछ यहाँ कवर हो, पर ये विषय बहुत ही ब्रॉड है और बड़ा विषय होने की वजह से शायद ऐसा हो कि कुछ चीज़ें रह जाएं। तो मैंने काफ़ी सारा मटेरियल आपके लिए इकट्ठा किया है जो सेशन के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगी। अगर कुछ आपके क्वेश्चंस यहाँ रह जाते हैं तो आप प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप।
जगी वाला सर और उषा मैडम हमारे साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आप खुल के पूछ सकते हैं, कोई उसमें झिझक रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बेसिक से शुरू करूँगी, क्योंकि देर वर सम फ्यू सजेशंस के वी वॉन्ट टू नो फ्रॉम ए टू जेड। तो ए टू जेड जिसको जानना है तो उनके लिए मुझे बेसिक से शुरू करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करूँगी कि बेसिक्स आपको थोड़ा बहुत समझ में आए रिलेटेड टू फीमेल बॉडी। सो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, माने के जो प्रजनन तंत्र है, तो वो कैसा होता है, उसके शरीर की रचना कैसी होती है, और जिसके लिए उसकी माने कुदरत ने उसे बनाया है, तो वो जो अंड बीज है जिससे बच्चे पैदा होते हैं वो एक्चुअली बनता कहाँ से है, तो उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो ये एक छोटा सा फोटोग्राफ डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये शरीर रचना पुरुषों की है और ये शरीर रचना महिलाओं की है। तो महिलाओं की जो शरीर रचना है ये बाहर से इसमें कुछ दिखता नहीं है, जबकि पुरुषों में जो उनका शिश्न होता है, पेनिस होता है, वो भाग बाहर से आप देख सकते हैं, पर महिलाओं में आपको महिलाओं के कोई भी प्रजनन तंत्र के जो इम्पॉर्टेंट अंग होते हैं वो आपको शरीर के बाहर नहीं दिखेंगे, ये पूरे का पूरा अंदर रहता है। तो इसको हम थोड़ा आज ठीक ठीक वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से उसका जो ऑर्गन सिस्टम है वो इस तरीके से बना रहता है। तो जब इसको मैं एनलार्ज करके देखती हूं तो मुझे क्या दिखेगा, तो मुझे दिखेगा दो ओवरीज जिसको हम अंडाशय बोलते हैं, तो दो अंडाशय होंगे, उसके साथ में से दो ट्यूब्स निकलती हैं, उसको आप यूटराइन ट्यूब बोल सकते हैं या उसको फेलोपियन ट्यूब्स बोल सकते हैं। फेलोपियन ट्यूब ज़्यादातर बहुत पॉपुलर वर्ड है। यहाँ से ये जो ट्यूब्स हैं वो एक इस तरीके से एक रचना बनी हुई है जो पैर शेप, जिसके हम बोलते हैं ना पैरू, तो पैरू का आकार कैसे होता है वैसे ये बना हुआ होता है, इसे हम यूट्रस या गर्भाशय बोलते हैं, जहाँ एक्चुअली जो बच्चा बड़ा होता है 9 महीने वो इस यूटरस में बड़ा होता है। तो ये जो हम बोलते हैं माता का पेट, तो वो पेट नहीं होता है, वो यूटरस होता है जहाँ बच्चा अपना पूरा 9 महीना उसका डेवलपमेंट होता है। और फिर वो बाहर कहाँ से आता है, तो ये जो योनि मार्ग है इसको वजाइना बोलते हैं, तो इस वजाइना से वो बाहर आता है। तो जो ये गर्भाशय का मुख बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में सर्विक्स बोलते हैं, जो गर्भाशय का मुख होता है। और सर्विक्स का रिलेटेड सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में पाया जाता है, उसी तरह जिस तरह से ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। तो वो सर्वाइकल कैंसर माने ये सर्विक्स माने जो यूटरस या गर्भाशय है उसके मुख का जो कैंसर होता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। फिर यह योनि मार्ग है, योनि मार्ग का भी अपना एक मुख होता है जिसे वजाइनल ओपनिंग कहते हैं। तो ये वजाइनल ओपनिंग बाहर से दिखेगा, मगर ये सारी चीज़ें बाहर से दिखती नहीं हैं, ये बहुत ही छोटा होता है, ये सर्विक्स भी काफ़ी छोटा होता है। इसकी साइज़ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक चना, छोटा सा चना होता है, उतनी साइज़ का ये सर्विक्स का साइज़ रहता है। तो यहाँ माने ये पूरी एक ट्यूब जैसी चीज़ रहेगी जिसको हम वजाइनल कैनल बोलते हैं या फिर जिसको हम योनि मार्ग बोलते हैं, यहाँ से बच्चा बाहर आता है और इससे बाहर निकल जाएगा। तो ये अंदर शरीर के अंदर की रचना होती है। जब मुझे ये बाहर से वजाइनल ओपनिंग, ये जो योनि मार्ग का मुख मुझे देखना है, तो वो कैसे दिखेगा, तो बाहर से क्या दिखता है, तो महिलाओं का शरीर बाहर से इस तरह से दिखेगा। इसके अलावा इनके शरीर का कोई भी प्रजनन का भाग बाहर से नहीं दिखता है। ये देखिए कुदरत इन चीज़ों के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं नो बहुत ज़्यादा इसको प्रिजर्व करके रखती हैं, क्योंकि प्रजनन की क्रिया एक मानव शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो गया और माने
कैसे भी शरीर बना दिया, ऐसा नहीं है। आप अगर फूल देख लेंगे या आप कोई भी प्राणी का भी प्रजनन तंत्र देखेंगे, तो इन सब में जो प्रजनन तंत्र है वो हाईली प्रोटेक्टेड होता है, उसको बहुत ही सहज के रखा जाता है शरीर के अंदरूनी भाग में। तो इसीलिए बिकॉज ये महिलाओं का शरीर है, इसको भी बहुत ही सहज के इस चीज को संभाल के अच्छे से इसको नो शरीर रचना में फिट किया गया है कि ये आसानी से इसको माने कोई एक्सीडेंट में या किसी चीज में ये जल्दी से हर्ट ना हो जाए, इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये उसके पूरे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए इसको बहुत सहज के अंदर से रखा हुआ है। बाहर से जो आपको दिखेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई वजाइनल ओपनिंग दिखता है, तो ये वजाइनल ओपनिंग कहाँ है, तो अगर आप इस फोटोग्राफ में ठीक से देखेंगे तो ये जो ओपनिंग दिख रहा है ये पूरा ये वजाइनल ओपनिंग है। और अब ये वजाइनल ओपनिंग के ऊपर आप देखेंगे एक शब्द लिखा हुआ है यूरेथ्रल ऑरिफिस। तो ये यूरेथ्रल ऑरिफिस क्या है, यहाँ से महिलाओं को यूरिन पेशाब बाहर आता है। अब आप देखिए जो योनि मार्ग का ओपनिंग है और जो पेशाब का मार्ग है वो बहुत ही नजदीक है, और जहां से स्टूल पास होता है तो उसे हम जो मर्द द्वार बोलते हैं एनस, वो यहाँ है। तो महिलाओं में ये तीन अलग अलग किस्म के होल लगभग नजदीक पाए जाते हैं, और इसीलिए इनको इन्फेक्शन, अगर ये ठीक से हाइजीन नहीं रखती हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही यूरिन होता है, यहाँ से वजाइना से ही मेंस्ट्रुअल ब्लड आने वाला है और स्टूल आएगा ये मर्दवार माने के एनस से बाहर निकलेगा। अब ये दो जो मार्ग है इसमें भी इसको देखना बहुत मुश्किल है, जब तक के वो ये इस प्रकार की पोजीशन में न बैठे तो ये हमें दिखेगा नहीं। तो कई बार महिलाओं के लिए भी दिक्कत होती है कि खून जो निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, अगर उसको यूरिन एपर्चर से कोई इन्फेक्शन हो गया है तो अगर पेशाब में खून आ रहा है तो वो क्या पेशाब में आ रहा है या फिर वजाइना से आ रहा है, वो आइडेंटिफाई करना भी कई बार दिक्कत होती है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है या एक्चुअली ये यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये इन्फेक्शन इन लोगों में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन चीज है, जिसके लिए इस एरिया को साफ रखना बहुत जरूरी होता है। इसके ऊपर दो मस्क्यूलर कवरिंग होते हैं जिसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, और बड़े से कवरिंग होते हैं, ये आपको होठ के ही रचना के जैसे दिखेंगे, तो इसीलिए इसका नाम लेबिया मेजोरा होता है। तो ये मसल मास जैसा टिश्यू यहाँ रहता है जिसके अंदर छोटे दो और टिश्यू होंगे जिसको हम लेबिया माइनोरा बोलेंगे। और सबसे जो लोगों को बहुत नो परेशानी होती है कि लड़की खास करके जब उनकी शादी होती है तो बोलते हैं कि वर्जिन होनी चाहिए, हाइमेन ठीक से है या नहीं, तो वो हाइमेन क्या होता है, तो एक पटल जैसी रचना होती है जो यहाँ वजाइना के द्वार पे अंदर की तरफ होती है। अब क्योंकि हम मासिक डिस्कस कर रहे हैं तो ये पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि आजकल की लड़कियां क्योंकि वो साइकिल और काफी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करती हैं तो कई बार बहुत ज्यादा पांव फैलाने की वजह से ये हाइमेन ऑटोमेटिक टूट जाता है। तो उसकी माने ये कोई ऐसा नहीं है कि हाइमेन टूट गया तो उसकी वर्जिनिटी खत्म हो गई, ये एक फैशन हो गया है, लोग अब तो हाइमेन रीसीलिंग ऑपरेशंस भी करवाते हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर आपको ये जानना जरूरी है कि हाइमेन क्या है, तो वो एक सिंपल एक मेम्ब्रेन जैसा होता है, एक पटल जैसी रचना होती है जो नेचुरली पाई जाती है, जिसका मेडिकली एज सच कोई लाभ या इम्पोर्टेंस या फंक्शन नहीं होता है। तो ये हो गया इसके बाहर के शरीर की रचना। ऊपर से इस तरह से जो छोटे छोटे जैसे हमारे बगल में आर्मपिट में जो बाल पाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं, जिसको भी ठीक से साफ करना बच्चों को माने स्पेशली जो छोटी लड़कियां हैं जब वो बड़ी हो रही हैं उनको ये सिखाना जरूरी है कि यहाँ ये जो बाल हैं वहां पे भी साबुन से अच्छे से क्लीनिंग किया करें, क्योंकि यहाँ का इन्फेक्शन यहाँ आने में देर नहीं लगेगी। तो ये पूरे एरिया की सफाई ठीक से हो ये बहुत जरूरी है, और ये पोर्शन ही हम बाहर से महिलाओं में देख सकते हैं, बाकी इनके शरीर का कोई ऐसा अंदरूनी भाग नहीं है जो हमें दिखेगा। ये सारी रचना अंदर की ओर होगी, ये बाहर नहीं दिखेगा।
ये योनि मार्ग है, ये हो गया गर्भाशय का मुख, ये गर्भाशय हो गया, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये हो गया अंडाशय ओवरी, यहां से निकलेगा अंडा और ये फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो इस तरह से पूरा ये रचना चलती है। और अगर आप इसको अभी और ध्यान से देखेंगे तो दो और शब्दों की हमें जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम मेंसेस की बात करने वाले हैं, वो है एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। तो ये जो गर्भाशय है उसकी जो अंदरूनी दीवाल होती है, अंदर से जो मेम्ब्रेन या जो दीवाल बनी हुई है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये गर्भाशय तीन दीवाल का बना होता है, तीन लेयर्स होती हैं इसकी दीवाल में। तो ये जो अंदर की सबसे अंदर की दीवाल होती है वो है एंडोमेट्रियम, और उसके बाहर जो होती है वो है मायोमेट्रियम। तो हमें इन दोनों को याद रखना है, क्योंकि आगे हमें इसका उपयोग करना है जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखेंगे। यहाँ जो ये जो ओवरी है उसके अंदर अंडा प्रोड्यूस होगा, और वो अंडा ये फेलोपियन ट्यूब में से जाके फिर यहाँ कहीं पे आएगा। और अगर योनि मार्ग से शुक्राणु, अगर पुरुषों का स्पर्म शुक्राणु यहाँ से एंटर होता है तो वो यहाँ कहीं पे फर्टिलाइज माने फलन की क्रिया करेगा, और फिर यहाँ प्रेगनेंसी रहेगी। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती है शरीर के अंदर। थोड़ा आगे देखें, ये होता है ओवरी माने अंडाशय। अंडाशय की भी ज्यादा साइंटिफिक रचना में नहीं जाऊंगी, पर जो हमारे काम का है वो आपको बता देती हूँ। अंडाशय के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं, जो जब से वो महिला माने जब वो बच्ची होती है, उसका बर्थ होता है, उस टाइम से ये फॉलिकल का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। पर ये एक्टिवेट कब होता है? जब वो 12-13 साल की होती है और जब वो पीरियड्स में आने वाली होती है तब इसका एक्टिवेशन चालू हो जाता है। तो ये छोटे छोटे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, इसमें से कोई एक फॉलिकल बनेगा अंड बीज माने जो अंडा या जो बीज हमें चाहिए जिसमें से बच्चा पैदा होने वाला है, तो वो बीज वो बनाएगा। और वो जब बड़ा होता है तो वो बीज के आजू बाजू जो दूसरे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उसकी मदद से एक ऐसी रचना बनती है जिसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। और जब इसमें से बीज निकल जाता है तो ये ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है वो मर जाता है, वो डिसॉल्व या डीजनरेट हो जाता है, और वो आगे जाके कॉर्पस लूटियम और फिर कॉर्पस एल्बिकम बन जाता है। अब ये जो पूरी चीज है ये हर महीने चलती है, हर महीने महिलाओं के शरीर में से ऐसा एक बड़ा सा ग्रेफियन फॉलिकल बनता है जिसके अंदर ये जो सेकेंडरी ओवम लिखा है वो जो अंड बीज है वो इसमें उत्पन्न होगा। हर महीने सिर्फ एक ही अंड बीज इसमें से बाहर निकलता है, बाकी जो है वो इस तरह से बनते जाते हैं, पर हमेशा एक ही अंड बीज निकलता है। तो इसीलिए ये महीने की साइकिल चलती है। इसको हम ओव्यूलेशन बोलेंगे, उसको भी हम थोड़ा आगे देखेंगे। और फिर जो ये पूरा ग्रेफियन फॉलिकल बनता है वो डीजेनरेट हो जाता है, फिर वापस पूरा महीना ये क्रिया चलती है, फिर ओव्यूलेशन हुआ और ये डीजेनरेट हुआ। ऐसे करके उसके शरीर में हर महीने ये चीजें चलती हैं। जब वो अपनी एडोलेसेंट में या टीनेज में आती है और ये साइकिल जब एक्टिवेट हो जाती है तब ये क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। अब ये प्रोसेस भले ही एक्टिवेट होता है 12-13 साल की उम्र से, पर ये जो पूरा प्राइमरी फॉलिकल बनने का जो पूरा प्रोसेस है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और वो बहुत लंबे टाइम से चलता है। तो वो कैसे होता है? तो वो कुछ इस तरह से जाता है। जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता है, जब माँ गर्भवती होती है और अगर उसके अंदर लड़की माने उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो लड़की को जन्म देने वाली है, तो उस टाइम से जब वो फीटल पीरियड में होता है, वो बच्चा अपनी माँ की गर्भाशय में होता है, तब से उसकी ओवरी में ये क्रिया शुरू हो जाती है। कौन सी क्रिया? ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल बनने की। और ये पूरा जो होता है वो कब तक वो प्री मोडियल फॉलिकल बनते रहता है? जब तक वो प्यूबर्टी एडोलेसेंट में नहीं आ जाती है, टीनेज में नहीं आ जाती है, तब तक ये प्री मोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में रूपांतरित होते रहते हैं, पर वो अंड बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। जब वो एक्टिवेट होती है साइकिल,
और जब वो टीनेज या एडोलेसेंट में आती है और हम कहते हैं कि अब उसका पीरियड शुरू हो गया, तब क्या होता है, तब ये प्राइमरी फॉलिकल ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाना शुरू करता है और हर महीने उसके शरीर में से एक एक अंडबीज रिलीज होता है जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लड़की को, माने ये लड़की का जन्म नहीं हुआ उसके पहले से उसके शरीर में ये प्रजनन की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं जो पुरुषों में नहीं होता है। तो पुरुषों में ये जन्म के पहले से ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं, तो ये भी हम लड़कियों को बहुत खास बनाती हैं। और हम क्या करते हैं, लड़कियों को ये सब नहीं समझा पाते हैं और उल्टा उन्हें लगता है कि ये मैं पीरियड में आ गई तो ये कौन सी मुसीबत आ गई। नो, सब लोगों को माने पीरियड आता है तो उनको बहुत दुख होता है कि अब 5 दिन परेशान हो जाएंगे। पीरियड को नेगेटिवली लेते हैं, पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। तो हमें इनको ये सब बताना है कि ये कितनी खास बात है, आपकी शरीर की रचना ही कितने खास तरीके से की गई है, और उसको संभाल के सहज के उसको अच्छे से आनंद लेके आगे चलना चाहिए। नहीं कि उसको कोसे कि मैं पीरियड में आ गई, या दूसरे लोग उसे कोसे या वो अपने आप को कोसे। 99% फीमेल्स दे आर नेवर हैप्पी कि उनका मासिक आ गया, क्योंकि उनको वो झंझट लगती है। क्यों झंझट लगती है? क्योंकि बचपन से उन्होंने देखा है कि मासिक आता है तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पेन होता है, कोई हेल्प नहीं मिलती है, बहुत सारा स्ट्रगल मेंटली फिजिकली इमोशनली उनको फेस करना पड़ता है। हमने उन्हें कभी पॉजिटिवली पीरियड्स को लेना सिखाया ही नहीं, और इसी वजह से हम सब पीरियड्स को कोसते हैं। जबकि पीरियड्स आना अच्छी बात है, क्योंकि अब वो लड़की बड़ी हो रही है और उसका प्रजनन तंत्र खूब स्वस्थ है, वो आराम से काम कर सकती है, वो हेल्दी है, वो बच्चे को पैदा करने के लायक होती जा रही है। तो इसलिए ये तो अच्छी बात है ना कि वो फर्टाइल है, उसमें वो क्षमता आ रही है कि वो एक बच्चे को पैदा कर सकती है। पर हम क्या करते हैं, पीरियड्स में आई है तो उसको कोसते हैं, वो भी कोसती हैं। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, उनको अच्छा नहीं लगता है कि पीरियड्स आ गया, ये महीने का प्रॉब्लम है। तो ये चीजें हम अगर उन्हें बताएंगे तो उन्हें बहुत अपने बारे में काफी कुछ रियलाइज कर पाएंगे कि उनकी रचना कितनी स्पेशल है, वो पहले से ही स्पेशल बन के आई है, जो लोगों के लिए आसान नहीं है। आगे देखते हैं कुछ टर्म्स। जो पहली बार, जब अपनी पूरी जिंदगी में लड़कियां पहली बार पीरियड्स में आती हैं, तो उसको मेनार्क बोला जाता है। ये कोई भी उम्र हो सकती है, 9 से 13 साल, हम उसके फैक्ट्स बाद में देखेंगे। पर जो ऑनसेट होता है साइकिल का, उसके जीवन में सबसे पहली बार, उसको मेनार्क बोलेंगे। ऐसे ही पेरीमेनोपॉज होता है। कई बार ये जो फर्टाइल विमेन एज होती है, माने के उसकी साइकिल एक्चुअली बंद होने का टाइम नहीं हुआ है, पर नेचुरली कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से उसकी साइकिल टाइम से पहले बंद हो गई, तो उसे पेरीमेनोपॉज बोलेंगे। मेनोपॉज माने क्या, कि इन लोगों की, महिलाओं की ये जो साइकिल है पीरियड्स की, वो एक फिक्स एज तक रहती है। पुरुषों के जैसे शुक्राणु का डेवलपमेंट वो पूरे जीवन नहीं कर सकती, वो अंडबीज उसके शरीर के अंदर से उत्पन्न होना एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही होता है। आफ्टर सम टाइम 40-45 एज के बाद ये साइकिल बंद होती है, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। जब वो मेनार्क में आती है, उसका ये मेंसेस शुरू हो जाता है, तब से वो एडोलेसेंट टीनेज प्यूबर्टी में आना शुरू हो जाता है, और ये लड़कियां अब अपनी एडल्ट सेक्सुअल लाइफ की ओर बढ़ सकती हैं। उनको आप देख पाएंगे कि उनका फिजिकल बॉडी भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो एक छोटी बच्ची से लेके अब एक वयस्क युवती बनने की ओर आगे बढ़ती हैं। तो वो एज को हम प्यूबर्टी एडोलेसेंट एज बोलते हैं। तो ये कुछ आपके माने शब्द हैं, आप कुछ पढ़ेंगे देखेंगे तो ये आपको काफ़ी सारी जगह नो आपके ध्यान में आएंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा हमने रिवाइज कर लिया। अब हम देखते हैं ये साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो एक्चुअली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ हम मानव जात में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये साइकिल काफ़ी सारे प्राइमेट्स में पाया जाता है, माने जो हमारे जैसे हम बोलते हैं ना, वो हम तो हमारे एंसेस्टर्स तो सारे मनो बंदर हैं, तो बंदरों में भी ये पाया जाता है। और उसके जैसे जो भी दूसरे
हमारे नो बैट्स हैं या श्रूज हैं उस किस्म के प्राणियों में भी ये चीजें पाई जाती हैं। उसके अलावा जो गाय या भैंस वो वाला जो पूरा एक वर्ग है कैटल्स का, उसमें अलग एक साइकिल पाई जाती है जिसको बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल या रट साइकिल। माने ऐसा नहीं है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ महिलाओं में और वो भी सिर्फ मानव जात में ही पाई जाती है। कुछ एक प्राणी हैं जिसमें भी ये साइकिल पाई जाती है, उसके अलावा कुछ एक ऐसे प्राणी हैं जिसमें रट या ईस्ट्रस साइकिल भी पाई जाती है। क्या होती है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें होता क्या है, तो ये एक महीने की एक साइकिल है। एक महीने में 5 या 7 दिन ब्लड डिस्चार्ज होता है, माने महिलाओं के शरीर से खून बाहर आता है। वो सिर्फ खून नहीं होता है, उसके साथ में आपको काफी कुछ और भी उसमें पाया जाता है, जैसे काफी सारे टिश्यूज फ्लूइड होता है, म्यूकस होता है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, काफी सारा जो हमने गर्भाशय का अंदर का अंदरूनी दीवाल देखा, जो एंडोमेट्रियम देखा, वो एंडोमेट्रियम के डेब्रीज भी पाए जाते हैं। ये सारा कुछ मिला के उस ब्लड से निकलता है जो 5 या 7 दिन तक का होता है। ये बहुत ही नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये होना चाहिए तो ही वो महिला स्वस्थ और हेल्दी मानी जाएंगी। कहाँ से ये निकलेगा? तो जो योनि मार्ग है ये, वो योनि मार्ग से ये चीजें बाहर निकलती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस वर्ड आया कहाँ से? इसका मतलब ही लैटिन में होता है मंथ, और ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है मून, मिनी में से। अब ये जो मिनी मून, माने पहले ऐसा था कि हम कैलेंडर्स नहीं यूज करते थे, हमारे पास कोई ऐसी डेट वाली कैलेंडर नहीं होती थी, तो पहले के जमाने के लोग मून साइकिल के साथ ये महिलाओं की साइकिल को रिलेट करते थे और उसकी मदद से वो लोग जजमेंट लेते थे कि अब उसका पीरियड आने का कौन सा तारीख होगा। तो वो कैलकुलेशन मून साइकिल के साथ जाता था, इसलिए वहां से ये मेंस्ट्रुअल वर्ड आया है। हालांकि अब हम इसको पीरियड्स बोलते हैं, काफी इसके अलग प्रकार के दूसरे भी शब्द हैं, उसको भी हम देखते हैं कि कौन कौन से दूसरे शब्द यूज किए जाते हैं। कुछ एक चीजें जो क्वेश्चन जो आए थे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उसमें भी पूछा गया था, जानने की इच्छा थी, तो मैंने कुछ एक फैक्ट्स डाले हैं साइकिल के बारे में कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है। तो सामान्यतः हम क्या समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 या 7 दिन की होती है। एक्चुअली जो खून आने की प्रक्रिया है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं वो 5 या 7 दिन का होता है, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 28 डेज का होता है, इसीलिए उसको महीने का साइकिल बोलते हैं। कई कई केसों में वो छोटी हो सकती है, 20-21 दिन का हो सकता है, और कई केस में 40 डेज तक भी नॉर्मल माना जाता है। वो पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअली चेक करना पड़ता है कि उसकी नॉर्मल साइकिल के डेज कितने हैं, बट ऑन एन एवरेज यूजुअली सब फीमेल्स 28 डेज का उनका मंथली साइकिल होता है, जिसमें से 5 से 7 दिन उन्हें ये खून निकलने वाली प्रक्रिया जिसको हम पीरियड्स या मेंसेस बोलते हैं वो होता है। कितना खून निकलता है उसकी मात्रा लगभग 30 से 40 ml जितनी होती है, जो ऑन एन एवरेज 6 या 8 टीस्पून जितना रहता है। कई केस में ज्यादा भी हो सकता है, किसी केस में कम हो सकता है, जैसे अगर लड़कियां बहुत ज्यादा मोटी हैं तो खून की मात्रा कम होने की संभावना है, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो भी खून की मात्रा कम निकल सकती है, कोई बड़ी बीमारी से पास ऑन हो चुके हैं तो भी खून की मात्रा कम हो सकती है। किसी किसी केस में हेवी ब्लीडिंग इज अगेन अ नॉर्मल थिंग, पर वो लड़कियों को खुद को अपनी साइकिल को जानने के बाद पता चलता है कि उनका बेसिक नेचर क्या है साइकिल का, ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होती है या एवरेज ब्लीडिंग होती है। ऐसा ब्लीडिंग जो शरीर से माने वजाइना से योनि मार्ग से निकलता है वैसा सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है, वैसा पुरुषों में ब्लीडिंग पाया जाता नहीं है। अगर शिश्न या पेनिस से यूरिन या पेशाब के साथ ब्लड आता है तो प्लीज उसको आप इन्फेक्शन के हिसाब से डॉक्टर को दिखाइए, वो कोई ब्लीडिंग नहीं है, आपके अंदर ऐसी साइकिल नहीं पाई जाती। हाँ, ऐसा कुछ एक रिसर्च चल रहा है कि भाई हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो, पर क्या कोई और साइकिल पुरुषों में पाई जाती है या नहीं, तो हाँ, पुरुषों में इरिटेबल मेल सिंड्रोम करके
एक छोटा सा साइकिल नोटिस किया गया है, पर हालांकि इसमें बहुत कम साइंटिफिक रिसर्च है और इसके कोई ज्यादा प्रूफ नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि उनमें एक इमोशनल और हार्मोनल साइकिल पाई जाती है जिसके ऊपर रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो निकलता है शरीर से, जिसको हम खून बोलते हैं, वो एक नॉन क्लॉटिंग मटेरियल होता है जिसमें कोई फाइब्रिनोलाइजिन जैसा मटेरियल नहीं होता है। ज़्यादातर जो जब हमें कोई कट या हमें कोई एक्सीडेंट होता है और खून निकलता है, तो शरीर में से काफ़ी सारा जो खून निकलेगा वो बंद हो जाता है और उसमें क्लॉटिंग होती है। पर यहाँ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में ऐसा कोई क्लॉटिंग के लिए कोई तत्व पाया नहीं जाता है, तो ये एक सिर्फ नोटिस करने जैसी बात है। कौन सी एज से ये शुरू होता है? लगभग 10 साल या 9 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक यूजुअली इस एज ग्रुप में लड़कियां पीरियड्स में आ जाती हैं। अब ऐसा पाया गया है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और टेलीविजन और नो काफ़ी सारा उसका एक्सपोजर बढ़ गया है, तो काफ़ी सारी लड़कियाँ बिफोर द एज पीरियड्स में आती हैं, तो कई बार 7-8 साल की लड़की भी मेंसेस में आ जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 साल के बाद ही आए, वो डिपेंड करता है उसका एक्सपोजर कितना है सोशल मीडिया और टेलीविजन और अलग अलग दूसरे माध्यमों से। कब तक ये बंद हो जाती हैं? लगभग 40 और 50 साल की उम्र के बीच में उनका मेनोपोज आ जाता है और ये पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इसको मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल पीरियड, एमसी, ऐसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। लोकली इसको मासिक बोलते हैं या इन गुजराती इसको बैठी छू, एंड देर आर एन नंबर ऑफ लोकल टर्म्स विच आर यूज इनफैक्ट लोकल वर्ड्स वर्नैक्युलर लैंग्वेज में जो भी मैंने हम यूज करते हैं अपनी भाषाओं में, उसमें मेंसेस को इतना कोसा गया है कि 5000 से भी ज्यादा गालियां, स्लैंग वर्ड्स पीरियड्स को लेके पाए गए हैं जो इवन महिलाएं यूज करती हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ देर इज नो साइकोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव पीरियड्स। सो हम चाहते हैं कि अब ये ट्रेंड हम बदले, कि हम महिला होकर भी और पुरुष इसमें हेल्प करें कि हम पहले से उसको, मैंने अगर वो पीरियड्स में आ रही है तो इट्स अ मैटर ऑफ नो प्राइड, अ वेरी गुड थिंग कि लड़की पीरियड्स में आ रही है, उसको रिजॉइस करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं कि उसको कोसना है, तभी ये पूरा एटीट्यूड टूवर्ड्स पीरियड्स चेंज होगा। अगर महिलाएं पीरियड्स में आ रही हैं और उस टाइम पे वो कंप्लेन करती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो नॉर्मल है, हेडेक होना, बैक पेन होना, जनरल डिस्कम्फर्ट होना, कई बार वॉमिट जैसी फीलिंग आती है, कई बार उनको बहुत थकान लगती है, कई कई केसों में बेहोशी भी होती है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये नेचुरल है। हाँ, अगर अनकंट्रोल लगता है, सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर की मदद ली जा सकती है। बहुत सारे इमोशनल साइकोलॉजिकल चेंजेस इस पीरियड में होते हैं, तो आप उन्हें पाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाना, उदासी आ जाना, बिना किसी बात के रोना, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं क्योंकि उसके शरीर में काफ़ी सारे हॉर्मोन्स बदल रहे हैं। तो इस पीरियड में ये सारी चीज़ें अगर उनको हो रही हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है सबको हो, पर अगर ये हो रही हैं तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, इसको माने आप इग्नोर कीजिए और उन्हें सिखाइए कि इग्नोर करना है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। अनलेस एंड अनटिल के वो सहन नहीं कर पा रही हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। साइकिल जो 28 डेज की है वो इस प्रकार रहती है, ऐसी पूरी साइकिल होती है जिसमें ये 5 दिन हमारे मेंस्ट्रुएशन के दिन होते हैं। और फिर एक जो मैंने बोला था कि ओवरी से अंडबीज निकलेगा, वो ओव्यूलेशन का टाइम है। बाकी का टाइम जो होता है, ये यहाँ जो यूटरस है, माने जो गर्भाशय है, वो अपनी तैयारी करेगा फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो ऐसे करके पूरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ये ब्लीडिंग एक्चुअली होती क्या है? ये जो गर्भाशय ने तैयारी की थी प्रेगनेंसी के लिए, पर प्रेगनेंसी आई नहीं, तो जो अंदर की दीवार है जहाँ पे प्रेगनेंसी आनी चाहिए थी, वो दीवार हर महीने वो टूटने वाली है, जिसको हमने बोला था एंडोमेट्रियम। तो वो एंडोमेट्रियम जब टूट जाता है तब ये पीरियड्स आता है। तो ये 5 से 7 दिन जो ब्लीडिंग होती है उसमें वो टिश्यू बाहर निकल जाती है और फिर धीरे धीरे वो वापस बनती है।
तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती है। अगर इस फर्टाइल पीरियड में, यहाँ माने ये जो पूरा पूरा पीरियड है, इसमें अगर ये चीज माने नहीं हुई, फर्टाइल विंडो विंडो पीरियड में अगर वो फर्टिलाइजेशन, शुक्राणु और अंड बीज का फलन की क्रिया नहीं हो पाई, तो अगेन ये जो पूरी तैयारी की थी वो टूटेगी और पीरियड्स आएगा। जब प्रेगनेंसी होगी तो पीरियड्स बंद हो जाएगा। तो इस तरह से अंदर की साइकिल हर महीने मेंटेन होती है। इसमें काफी सारे हॉर्मोन्स रोल प्ले करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवरी, अंडाशय के ही हॉर्मोन्स रोल प्ले करते हैं। इसमें हमारे शरीर में जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसके बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, उसका काफी रोल रहता है। साथ में इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन जो अंडाशय ओवरी से निकलता है उसका भी काफी रोल रहता है। ये चार हॉर्मोन्स का पूरे महीने एक ऊपर नीचे चलता रहता है, माने कुछ मात्रा बढ़ेगी, किसी की कुछ मात्रा घटेगी, और ये पूरा महीना ये चलने की वजह से आप देखेंगे कि महिलाओं का कोई एक स्टेबल मूड नहीं होता है। तो जो जो कंप्लेन है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि इनको मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, तो इनको मूड स्विंग्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये काफी हॉर्मोनल अप्स एंड डाउन से गुजरती हैं पूरा महीना। अब ऐसा हर महीने चलता है, मैंने पूरी लाइफ जब तक मेनोपॉज नहीं आता, तो ये पूरा उसकी लाइफ में ये अंदर से चलते रहता है। और उसकी वजह से कई बार उसको भी नहीं पता होता कि ये हॉर्मोनल डिस्टर्बेंस कब उसके मूड से रिलेटेड है या कब उसका मूड चेंज कर रहे हैं, और वो उसको दिक्कत कर जाते हैं उसके बिहेवियर में। तो काफी महिलाओं में ये कॉमनली पाया जाता है। कुछ एक केसेस ऐसे भी होते हैं जो इसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, उसके लिए उनकी अच्छी लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल रहती है। साइकिल को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इस साइकिल में दो चीजें होती हैं। एक होता है ओवेरियन साइकिल, जो हमने देखा ओवरी के अंदर जो चलता है उसको हम ओवेरियन साइकिल बोलते हैं, और एक साइकिल चलेगी गर्भाशय में, यूटरस में। तो ये ओवेरियन साइकिल है। तो मैंने जो आपको बताया था कि वो प्राइमरी फॉलिकल में से बड़ा सा एक सेकेंडरी फॉलिकल बनता है और फिर वो ग्रेफियन फॉलिकल में से ओव्यूलेशन के टाइम पे निकल जाता है, तो ये पूरी चीज ये ओवेरियन साइकिल में चलता है। तो हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल दो जगह चलती है। एक चलती है ओवरी में, ओवरी में भी काफी सारे चेंजेस पूरे महीने में आएंगे, और दूसरा पार्ट चलता है गर्भाशय में, यूटरस में, जहां पे भी वो एंडोमेट्रियल दीवाल बनती है, टूटती है, वो प्रोसेस चलते रहता है। तो जब ओवेरियन साइकिल बोलते हैं तो उसमें ये पूरी प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये अंड बीज बनना है, फिर छूटना है, फिर वापस बनना है, तो ये पूरे महीने चलेगा। तो ये चीज ओवरी में रहेगी। इस दौरान जो हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन है, आप देखिए इसका फ्लो, जैसे ये पहले 14 दिन FSH बढ़ रहा है, फिर ये पूरा माने जब ओव्यूलेशन होना है, अंड बीज जब ओवरी से निकलता है, तो तुरंत ही ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन शूटअप हो गया। ये कितना कितना माने ग्राफ देखिए आप, कितना अलग से शूटअप हो रहा है। अब ये जो चीज होती है, जो इमीजिएट राइज एंड फॉल दिखाती है, उसकी वजह से महिलाओं में काफी सारे बिहेवियरल इमोशनल चेंज आते हैं, जो हम नहीं उन्हें भी नहीं पता होता है, हमें भी नहीं पता होता है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत डीप रूटेड हैं। तो ये हॉर्मोन्स आप देख सकते हैं कि कैसे वो पिंक कलर का ग्राफ ऊपर गया और फिर वो नीचे आ गया। अब ये चीज पूरे महीने चलेंगी। सिर्फ यही होता है ऐसा नहीं है। इसमें ओव्यूलेशन हुआ तो ये देखिए, ये मैंने एक फोटोग्राफ लिया है आपको दिखाने के लिए कि जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो कैसे बनता है। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल में से ये जो सेंटर में चीज है वो एक्चुअली प्राइमरी ऊसाइड, ये अंड बीज है, जो 14 14 दिन के माने 28 डेज का जो साइकिल है उसमें जो 14th डे होता है तब ये ओव्यूलेशन होता है, तब ये चीज बाहर निकलती है, और फिर ये पूरी जो रचना है ये टूट जाती है, ये डीजनरेट होनी है आगे जाके। और ये जो चीज है जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी ऊसाइड बोलते हैं, वो कैसे दिखेगा, तो वो ऐसे दिखता है। जब वो सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है तो वो ऐसे दिखता है। अब ये पूरी साइकिल, ओवेरियन साइकिल जब चल रही है, तब गर्भाशय में क्या होता है, तो गर्भाशय में भी पूरे महीने काफी कुछ चलता है। क्या चल रहा है, तो अब आप देखें गर्भाशय में दो हॉर्मोन्स की वजह से काफी चेंजेस है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। तो गर्भाशय में पूरे महीने, ये डे 0 से शुरू हुआ 28 दिन तक,
आप देखिए ये जो है ये प्रोजेस्ट्रॉन है ये कम मात्रा में है, सडनली वो शूटअप हो गया 14 दिन के बाद ये शूटअप हो गया और फिर वो गिर रहा है। जबकि ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन की मात्रा पहले 14 दिन ज्यादा थी, फिर वो गिर रही है और नीचे आ रही है। तो इसमें माने इस गर्भाशय में भी दो हार्मोन अपनी अपनी चीजें कर रहे हैं, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, और जो FSH LH जो है पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन वो काम कर रहे हैं हमारे अंडाशय के ऊपर माने ओवरी के ऊपर। तो चार हार्मोन की पूरी मिलीभगत चल रही है पूरे महीने। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए एक लड़की की हालत कि उसके शरीर में ये सब चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है, ये होती रहती है नेचुरली। उसके शरीर में चार हार्मोन, अब हमारे शरीर में ये चार हार्मोन तो होते नहीं है, काफी सारी अलग अलग ग्रंथियां भी होती हैं, वो तो अपना काम कर ही रही है, साथ में ये अलग से प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो कैसे वो स्टेबल आपको दिखेंगी पूरा एक महीना, मुश्किल है। तो इसलिए कई लोग जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं उसमें आप काफी मूड स्विंग्स देखेंगे। कुछ ऐसी भी लेडीज हैं जो काफी काम रहती हैं पर फिर वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, पर ये हार्मोनल डिस्टरबेंसेस काफी ज्यादा हैं। तो अगर मैं पूरा इसको समराइज करूं तो ये जो है ये पूरी नीचे की स्टोरी है, ये गर्भाशय की स्टोरी है जिसमें गर्भाशय टूटा फिर वापस बन रहा है, वापस टूटा, ऐसे वो पूरा महीना चला। और जब ओवरी को देखेंगे तो ओवरी में ये पूरी चीज हो रही है, अंडाशय में से अंड बीज निकल गया, उसका काम खत्म हो गया, वो सब चीजें टूट गई, वापस नया अंड बीज बन रहा है और उसमें ये सारी सारी हॉर्मोन्स की रोल प्ले हो रही है। अब इसके अलावा ये साइकिल यहाँ कंप्लीट नहीं होती है, इसमें दो और चीजें जुड़ी हैं जो यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल में लोग डिस्कस नहीं करते हैं। एक है सर्वाइकल म्यूकस साइकिल और दूसरा होता है बेजल बॉडी टेम्परेचर साइकिल। माने के वजाइना योनि मार्ग से जो सफेद कलर का चिकना सा पदार्थ निकलता है उसको हम म्यूकस बोलते हैं, सर्वाइकल म्यूकस, वो पूरा निकलता है, वो अलग अलग दिन में अलग अलग किस्म का निकलता है। अब आप ये देखिए ये जो मेंसेस खत्म हो गया उसके बाद यहाँ नहीं निकल रहा है, यहाँ पूरा ड्राइनेस है म्यूकस का, फिर थोड़ा स्टिकी निकल रहा है, फिर थोड़ा क्रीमी निकल रहा है, फिर जब उसका ओव्यूलेशन का टाइम आने वाला है तो वो पूरी चीज उसका नेचर बदल जाता है। यहाँ उसको थोड़ा कम सिक्रीशन होगा, वजाइनल सिक्रीशन कम होगा जिसको हम वजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं। ये साइकिल भी पूरा पूरा महीना चल रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ओवरी और यूटरस में ही साइकिल माने वही चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ जो गर्भाशय का मुख है वहां जो सारा म्यूकस बनता है वो भी पूरा चेंज होते रहता है पूरे महीने। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल है, खास करके जब कोई लेडी मेंबर को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको कहा जाता है कि आप ये सर्वाइकल म्यूकस ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि वो फर्टिलिटी के लिए काफी कुछ इंडिकेशंस देते हैं। तो ये हो गया सर्वाइकल म्यूकस, उसके साथ जो होता है वो है बेजल बॉडी टेम्परेचर। ये बेजल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है कि जो जो बहुत कम मात्रा में चेंजेस होते हैं, पर कई लड़कियों को ऐसा होता है कि या तो उनका शरीर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है पीरियड्स में, या कई बार उनको बुखार जैसी सिचुएशन आती है जब पीरियड्स आने को होता है, तो वो ये बेजल बॉडी टेम्परेचर चेंजेस हैं। इवन ओव्यूलेशन के टाइम पे भी ये बेजल बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। तो जिन लोगों का इनफर्टिलिटी का इश्यू होता है उन लड़कियों को अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलर बेसिस पे मेजर करने को बोला जाता है, कई बार योनि मार्ग से वहां से भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए बोला जाता है। तो उससे पता चलता है कि क्या अंदरूनी ये बेजल बॉडी टेम्परेचर साइकिल ठीक चल रही है या नहीं, ये सारे इंडिकेशंस देते हैं कि उसकी अंदर की फिजियोलॉजी ठीक तरीके से चल रही है या नहीं। सो चार चीजों से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बनती है। और आप देखिए लगता है बहुत सिंपल 28 दिन का साइकिल, पर आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। यूटरस में चेंज हो रहा है, ओवरी में चेंज हो रहा है, इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन LH FSH चार हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उसका बेजल बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, साथ में म्यूकस साइकिल चल रहा है। अब आप बताइए ये पूरी चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और हम इसको सही सही ना समझते हैं ना समझा पाते हैं, और वो लड़कियां भी परेशान होती हैं और हम परेशान होते हैं कि उसको हो क्या रहा है। तो ये सब चीजें होंगी तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस तो होंगे ही होंगे।
और यही चीजें उसके शरीर में दिमाग से लेके नीचे तक पूरा फीडबैक मैकेनिज्म चलाती हैं। तो यही हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं कि कब ओव्यूलेशन होना है, कब ओव्यूलेशन खत्म होगा, कब उसको फर्टिलाइजेशन होना है। तो जब फलन की क्रिया, ये मैंने आपको जो आगे बताया था, ये मैं डायग्राम इसलिए बता रही हूँ कि आपको आइडिया है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है। तो जब 14 दिन पर ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ से एक अंडबीज निकला, वो यहाँ से फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके यहाँ कहीं पे आता है गर्भाशय में, और अगर स्पर्म यहाँ से एंटर होता है तो यहीं के अंदर इसी के टाइम पे यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये जो पूरी अंदर की दीवार तैयार हुई थी वो मेंस्ट्रुअल डेज में, वो जो 4 से 6 या 7 दिन होते हैं उसमें, ये दीवार जो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हुई थी वो टूटेगी और ये सारी चीजें वापस से फिर बनेगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होल नेक्स्ट मंथ। तो ये हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल की बातें। किसी किसी को अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, हम आपके क्वेश्चंस एंड में लेंगे। थोड़ा बहुत हाइजीन देख लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है? तो जो WHO और यूनिसेफ हैं उनके हिसाब से मेंस्ट्रुअल हाइजीन माने ये जो स्त्रियां हैं, ये जो अपनी एडोलेसेंट बहने हैं, इनको ठीक ठीक समझ देना कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को कैसे डील किया जाए, उन्हें कैसे साफ रखा जाए, उनके साथ कैसे हम उनको क्या क्या मटेरियल यूज करना चाहिए, और वो अपनी साइकिल को समझ के उसको रिस्पेक्टफुली विदाउट किसी फियर के अगर वो कंफर्टेबली अपना पीरियड ठीक तरीके से गुजार सकती हैं तो उसको हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन बोलते हैं। और इसीलिए आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे वर्ल्ड ओवर हमें इसका माने प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है कि ये चीज़ें बच्चों में आए, ये चीज़ें महिलाओं में आए, टीनेजर्स में आए, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं इसके लिए। तो अलग अलग किस्म के सैनिटरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या नहीं करना चाहिए पर काफ़ी सारी जगह पर अभी भी हम कर रहे हैं, वो है ये सारी नेचुरल चीज़ें जो एक्चुअली यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी भी कहीं काफ़ी सारे रिमोट एरियाज और गांव में लोग पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, काउडंग केक्स का इस्तेमाल करते हैं, माने के गाय का गोबर उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई भी धागा, साड़ी का टुकड़ा या कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, कई लोग टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है, ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को सपोर्ट नहीं करती। क्या यूजेबल मटीरियल इनके अलावा अवेलेबल है? तो लोकली मेड रीयूजेबल पैड्स और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल अवेलेबल है, कमर्शियली रीयूजेबल चीज़ें भी अवेलेबल हैं। नए प्रकार की शोध और संशोधन की वजह से अब नए इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं बाजार में जिसको टैम्पोन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स बोलते हैं, हालांकि ये इंडिया में इतने प्रचलित नहीं है, पर इसका भी अभी आपको ये मिल तो जाएंगे। अभी काफ़ी सारी कंपनियां आई हैं बट इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसके बारे में अवेयरनेस कम होने की वजह से लोग इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करते, बट काफ़ी सारे लोग सैनिटरी नैपकिन्स का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अगर किसी ने टैम्पून नहीं देखे हैं तो मैंने इसलिए ये एक छोटा सा पिक्चर लिया है। ये एक टैम्पून लड़कियों को अपने योनि मार्ग में इंसर्ट अंदर डालना होता है और फिर इसको टाइम टू टाइम निकालना होता है। ये कॉटन वगैरह जो आप देख रहे हैं इसके अंदर वो ब्लीडिंग सोख लेता है और फिर इसको ठीक से डिस्कार्ड करना चाहिए। तो ऐसे टैम्पून्स बाजार में मिलते हैं तो इससे उनको क्या है कि सैनिटरी नैपकिन बार बार बदलना नहीं है, ये टैम्पून्स यूज कर सकते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स यूज कर सकते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल कप जो है इसको फोल्ड करके इसको भी वजाइना में इंसर्ट किया जाता है और टाइम टू टाइम इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ये रीयूजेबल होते हैं, जबकि टैम्पून्स रीयूजेबल नहीं है, मेंस्ट्रुअल कप्स रीयूजेबल होते हैं। ये आप क्लीन करके इसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं पर इन्हें अच्छे से सिखाना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ यूज करें तो उसको कैसे अच्छे से पहने और उसको मैंने कैसे अपने प्राइवेट पार्ट्स को इन दिनों में क्लीन किया जाए और फिर उसका ठीक ठीक डिस्पोजल भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर ये माने लड़कियां, क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर सैनिटरी पैड्स और कॉटन कपड़ों का ही इस्तेमाल होता है, तो हम उसी के बारे में देखेंगे कि क्या चीज़ हाइजीनिक मानी जाएगी, उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए। तो जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल कर रही हैं उन्हें वो ठीक से पहने, उन्हें आना चाहिए कि वो कैसे पहनना है, वो चीज़ें क्लीन होनी चाहिए और कोई भी चीज़ वजाइना के अंदर इंसर्ट नहीं करनी है। सैनिटरी नैपकिन्स भी वजाइना में योनि मार्ग में
अंदर तक घुसा नहीं देना है, वो उसके लिए बहुत दिक्कत करेगी। कॉटन पैड है वो भी वजाइना में इंसर्ट नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम उसको बदलना है, 2 या 6 घंटे के बाद जितना उसका ब्लीडिंग का फ्लो है उसके हिसाब से उसको सिखाना चाहिए कि कैसे उसको बदलना है। कम ब्लीडिंग है तो 6-8 घंटे तक चलेगा, ज़्यादा ब्लीडिंग है तो उसके 6 घंटे के पहले पहले उसको पैड्स बदलना है। अगर वो रीयूजेबल कपड़ा यूज़ कर रही है तो उसका ठीक से स्टरिलाइजेशन, वॉशिंग होना ज़रूरी है, ड्राइंग होना ज़रूरी है। अगर वो ठीक से ड्राई नहीं हो रहा है तो वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। कोई भी पैड या कोई भी मटेरियल जो मेंस्ट्रुअल डेज के लिए यूज़ किया जाए उसको कभी भी टॉयलेट में डिस्कार्ड ना करें। ये बच्चों को बहुत प्यार से सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने पाया है कि इंडिया में पब्लिक टॉयलेट्स में लड़कियां ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं करती हैं, और देर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल इश्यू रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स। सैनिटरी नैपकिन्स में काफ़ी सारा प्लास्टिक आता है, वो जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, उसको डिग्रेड करने के लिए अलग से क्रिया करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम उसको ठीक ठीक डिस्पोज नहीं करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा सैनिटाइजेशन करता है और ये काफ़ी क्लॉगिंग भी करता है, जो ड्रग सॉरी जो ये अपनी पाइपलाइंस होती हैं नो जिसमें से सारा चीज़ें निकलेगी वो पाइपलाइंस को ये चॉकअप कर देती हैं, और उसकी वजह से फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो बच्चों को और महिलाओं को सिखाएं कि ठीक से ये चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करना भी उतना ही ज़रूरी है। हेल्थ देखेंगे कि कौन सी चीज़ें, मैंने कब पीरियड्स अगर नहीं आए तो वो नॉर्मल है, तो अगर प्रेगनेंसी है तो पीरियड्स नहीं आएंगे तो वो नॉर्मल चीज़ है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है तो कई बार लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है, दैट्स ओके। अगर फर्स्ट टाइम मेंसेस हुआ तो कई बार मेंसेस साइकिल रेगुलेट होने में टाइम लगता है, तो हो सकता है कि 6 महीने वो साइकिल इरेग्युलर हुई या 1-2 बार नहीं आया या पीरियड मिस हो गया, तो दैट इज़ ओके इन द इनिशियल डेज ऑफ साइकिल। कई बार फूड इंटेक बहुत बुरी तरह से नो इम्पैक्टेड है, काफ़ी रूरल एरियाज़ में ये दिक्कत है, बच्चियां ठीक से खाना नहीं खाती हैं, हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से, अनीमिया होने की वजह से उनमें पीरियड्स नहीं आते, खून ही नहीं है तो पीरियड्स कैसे आएगा, तो वहाँ उनका पीरियड नहीं आना नॉर्मल बात हो जाएगी। मेनोपॉज में आ गए तो डेफिनेटली पीरियड्स नहीं आएंगे। पीरियड्स के दौरान काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज होना बहुत ही लाजमी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पीरियड्स के दौरान सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ जाना बहुत कॉमन चीज़ है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो जो गर्भाशय के मुख के पास का जो म्यूकस होता है वो म्यूकस खुल जाता है, माने वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं क्योंकि वहाँ से खून आने वाला है, तो इसलिए वो एरिया ज़्यादा वनरेबल प्रोन हो जाता है STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए। और उसी टाइम पे वजाइना का जो pH वैल्यू होता है जो नॉर्मली अल्कलाइन रहना चाहिए, पर इस टाइम पे वो कुछ ज़्यादा ही अल्कलाइन हो जाता है लेस एसिडिक होने की वजह से, ईस्ट का इन्फेक्शन होना, कैंडिडाइसिस होना बहुत कॉमन हो सकता है अगर ठीक से हाइजीन प्रैक्टिस नहीं की है तो। पुअर हाइजीन की वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर लड़कियां नो ये जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं अगर उसको योनि मार्ग में इंसर्ट कर देती हैं या योनि मार्ग में रोल अप कर देती हैं, कई बार पैड्स टाइम टू टाइम ठीक से चेंज नहीं कर रही हैं, एक ही पैड काफ़ी लंबा टाइम पहन के रखा है, या फोर्सिबली वजाइना का क्लीनिंग करना, डूशिंग करना, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ सकती है। अगर वो ठीक से वो प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन नहीं कर रही है, मैंने आपको आगे की स्लाइड में बताया था कि उनके 3 एपर्चर जहाँ से पेशाब हो रहा है वो एपर्चर, जो वजाइना का ओपनिंग है वो, और स्टूल पास होने वाला एपर्चर बहुत पास पास है, तो उन्हें सिखाना ज़रूरी है कि भाई उनको फ्रंट टू बैक वाइप ऑफ करना है, बैक टू फ्रंट नहीं, वरना वो जो स्टूल्स हैं जो भी इन्फेक्शन है वो यूरिन वगैरह का सारा इन्फेक्शन वजाइना में जाएगा, तो उसकी वजह से उनका इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर पीरियड्स के दौरान वो कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वहाँ भी अगर ऑलरेडी पार्टनर किसी इन्फेक्शन से नो पीड़ित है तो इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ बढ़ेंगे, क्योंकि HIV और हेपेटाइटिस की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होती है, नहीं के वजाइनल फ्लूइड या सीमेन में।
तो ब्लड में वो टच होने से ये चीजें होने की शक्यता बढ़ जाती है. तो इसलिए ये सारे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं. कई बार वजाइनल डिस्चार्ज भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो कौन सा वजाइनल डिस्चार्ज, वो म्यूकस साइकिल चलती है, कब हमें पता चलेगा कि ये वजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल है? अगर उसका जो वजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट फ्लूइड निकल रहा है, वो ईचिंग हो रहा है, उसको उससे खुजली आ रही है, वहाँ सोरनेस है, रैशेज हो रहे हैं, तो वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज हो रहा है, तो देन इट इज़ अ टाइम ऑफ कंसर्न, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. अगर वो चीज़ दूध के जैसे सफ़ेद है बहुत ज़्यादा और दही के जैसे लम्ब्स आ रहे हैं तो दिखाने की ज़रूरत है. अगर ग्रे, वाइट, येलो, ग्रीन डिस्चार्ज है विथ बैड स्मेल तो उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है. तो ये हमें लड़कियों को सिखाना है, अपने पार्टनर्स को हेल्प करनी है कि उन्हें ये टाइम टू टाइम चेक करें, ठीक से उन्हें समझाएं. अगर आप किसी डॉटर्स के फादर्स हैं तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रेन, टीच देम दिस. ठीक है, हेल्थ रिस्क जो सैनिटरी पैड से होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीरियड्स के दौरान वो जो पीरियड आ रहा है उसकी वजह से ही हेल्थ प्रॉब्लम्स है. कई बार सैनिटरी पैड्स की वजह से काफ़ी लड़कियों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी चेक करने की ज़रूरत है. उसको क्या, कौन सा सैनिटरी प्रोडक्ट कंफर्टेबल है, क्या वो प्रोडक्ट की वजह से उसको रैशेज आ रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, स्किन मॉइस्ट हो रही है. काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, तो क्या ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, या बैड स्मेल आ रही है उसकी कुछ प्रॉब्लम है, या अगर वो कोई कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं, या वजाइना या उसके नो स्किन पे रैशेज आ रहे हैं, तो वो अगर हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन्फेक्शन हो रहा है सैनिटरी नैपकिन्स की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से. तो काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि हमें एक ही प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए. कोशिश करनी चाहिए कि टाइम टू टाइम लड़कियों को सिखाया जाए कि वो अपने प्रोडक्ट भी बदलते रहे, तो उसे क्या होगा कि बॉडी एक्लेमेटाइज्ड हो जाएगा और वो उन्हें पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट से क्या तकलीफ है, तो वो निकल भी सकती हैं. और एक चेंज रहता है, पीरियड्स को एंजॉय कर सकती हैं अगर अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल करना जानती हैं. तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पीरियड्स में हो सकती है सैनिटरी पैड्स की वजह से, वो होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. हालांकि इसकी मात्रा बहुत ही कम है, 5% ही होता है, बहुत रेयरली ये पाया जाता है, पर ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्टिफाइलोकोकस ऑरस की वजह से. और ये ऐसा कहा गया है कि अगर हम ठीक ठीक मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट नहीं करते तो ये 50% केसेस से लिंकअप हो सकता है. मैंने ये इतना हैवीली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. इसकी वजह से लड़कियों को बहुत बुखार आना, इन्फेक्शन पूरे शरीर में स्प्रेड हो जाना, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं. अगर टैम्पून्स या कोई इंट्रावजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो कई बार उसकी वजह से भी ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है. तो ये एक चीज़ अगर इन्हें पता रहती हैं तो वो चेक कर सकती हैं कि क्या वो सैनिटरी नैपकिन्स या प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है या कोई और अनहाइजीनिक मैथड्स की वजह से हो रहा है. एक मान्यता ऐसी है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं रखने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, पर ये गलत है. यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेज नहीं करने की वजह से नहीं होते हैं, इनके अपने खुद के अलग कारण हैं. कई बार लोग इवन स्कैबीज और जो हमारे बाल में जू होती हैं उसको भी रिलेट कर लेते हैं कि ये पीरियड्स की वजह से होता है. ऐसा नहीं होता, पीरियड्स की वजह से ये चीज़ें नहीं होती हैं. कुछ सिंड्रोम डिसऑर्डर्स बहुत क्विकली ले लूंगी क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है. डिसमेनोरिया, काफ़ी लोगों ने बताया है अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कि ये पेनफुल पीरियड्स क्यों होते हैं. तो पेनफुल पीरियड्स की काफ़ी सारी वजह है, उसमें इम्पॉर्टेंट वजह एक है साइकोसोमेटिक फैक्टर. लड़कियां पीरियड्स को कैसे, कौन से एटीट्यूड से लेती हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है. उसके साथ में जो एंडोमेट्रियल दीवार होती हैं, जो यूटरस के माने गर्भाशय का अंदर का पोर्शन है, उसको जो टूटना है, वो टूटने के लिए वेजोप्रेसिन और प्रोस्टाग्लैंडिंस हॉर्मोन्स उनके शरीर में खूब मात्रा में पैदा होते हैं. उस टाइम पे जब वो दीवार टूट रही होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का अमाउंट बढ़ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो बहुत सेंसिटिव है और वो जो मायोमेट्रियम दूसरा लेयर है यूट्रस का वो ज्यादा सेंसिटिव है, तो उन लड़कियों
शक्यता रहती है। तो अगर वो बैर नहीं कर पाती हैं तो आप उन्हें कोई पेन किलर डॉक्टर की सलाह से दिलवा सकते हैं, अगर बैर कर सकती हैं तो अच्छा है, या फिर हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल करवा के एक दो दिन अगर वो निकाल देती हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। पर ये उसकी वजह से होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और मेंस्ट्रुअल पेन आना, जो जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये सब लोअर बॉडी पार्ट में होता है, नो एब्डोमेन के नीचे के पोर्शन में होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ का जो एरिया है उसमें पेन होने की वजह से बैक पेन होना कॉमन चीज़ है। तो ये रिलेटिव है कि लोअर बॉडी पार्ट में हो रहा है तो इसलिए बैक पेन भी उसकी वजह से हो रहा है और उसका ध्यान वहाँ बार बार जाएगा। तो ये अगर मायोमेट्रियम सेंसिटिव है, प्रोस्टाग्लैंडिंस का जो नो बहाव हो रहा है शरीर में वो बढ़ गया है, तो उसकी वजह से ये पेनफुल पीरियड्स होना कॉमन चीज़ है, जिसे हम साइंटिफिकली डिसमेनोरिया बोलते हैं। इरेग्युलर मेंस्ट्रुएशन भी बहुत कॉमनली पाया जाता है, आज की लड़कियों में ये खास पाया जाता है। कई बार इरेग्युलर मेंसेस 21 डेज से भी कम, माने नो वो साइकिल बहुत ज़्यादा छोटी होगी या बहुत लंबी होगी। तो अगर कंटिन्यूसली 2-3 साइकिल स्किप हो रही हैं लड़कियों की, तो कृपया उसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं और ऑब्जर्व करें, उसके लिए उनको सिखाएं कि अपनी मेंसेस की डेट नोट डाउन करने की हैबिट रखें, वो पीरियड में कब आ रही हैं और कितने दिन की उसकी साइकिल है उसको नोट डाउन करना आना चाहिए और उसको ये चीज़ें नोट डाउन करना सिखाएं। मैंने देखा है काफ़ी बड़ी महिलाएं, मैंने 2 बच्चों की माँ होगी, उसको भी पता नहीं होता है कई बार कि मेरा पीरियड कौन सी तारीख को आने वाला है, तो वो नेग्लिजेंस दिखाता है, क्योंकि ये उसके उसका उसके जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है और ये काफ़ी लंबे अरसे तक चलेगा। तो उसको पता होना ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो अपनी डेट्स नोट डाउन करके रखे, कोई फेरफार है, चेंजेस हैं तो बताएं कि क्या चेंजेस हैं, तो उसके हिसाब से डिसाइड किया जाए कि वो इरेग्युलर मेंसेस है या नहीं। ये अलग अलग प्रकार हैं इरेग्युलर मेंसेस के, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन आया था कि उनका पूरा नेचर बदल जाता है जब पीरियड्स आने वाला होता है, तो पूरा कुछ अपसेट हो जाता है, काफ़ी सारी महिलाएं झगड़ा बहुत कर लेती हैं, बहुत रोना धोना हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो वो उसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। मेरा पूरा 8 साल का रिसर्च ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पे है, मैंने अपना एमफिल पीएचडी किया है। हाँ जी मैडम, मैडम मारे कितना क्वेश्चन ना आंसर करवाना छे? हम लोग यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम पहले उषा मैडम से उनके जो क्वेश्चन आए हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उसका उषा मैडम अपने हिसाब से उत्तर दे दें, फिर हम इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आया है, हाँ जी नेहा, आई विल टेक योर क्वेश्चन लिटिल शॉर्टली। मैं पहले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्वेश्चंस आए थे उसको कवर अप करूंगी। तो उषा मैडम, एक क्वेश्चन आया है अवेयरनेस रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग सर्वेसाइटिस, सर्वेसाइटिस को कैसे प्रिवेंट किया जाए, ये सवाल आया है। See, today's our this subject is menstrual hygiene, no? Yes. So that suppose you want to prevent this cervicitis, so for that I think the menstrual hygiene is very very important. And this date, the day we are celebrating, no? Why we are celebrating on 5th of May and that too also on 28th of the day? Why? It is related to our normal menstrual cycle, because our cycle is of 28 days. And usually we are bleeding for the 5 days, so that's why we are celebrating this menstrual hygiene day on 28th of month of the May. So this is the basic why we are celebrating. Now she is asking regarding the cervical infection. So you only told this cervix is very very important for this thing, because whatever the entry we are getting inside, it is from the cervix. First is from the vagina and then it is going to the cervix, and from cervix the only infection which will goes to the uterine cavity. So for that only the menstrual hygiene is very very important.
So if you are keeping all these things, what you told, be washing that private parts, keeping everything very clean. And first thing I would like to say, in our India, I think this is a very common, in school, in colleges, we don't have the proper washing, water supply, the separate toilet for the girls. So that is very, very important. Second thing, we are feeling this thing as a taboo, Even the mother is also not explaining them. This is going to happen when once you cross the your 12th year of age. So I think the mother and the teacher both are very, very important in the life when they get the first menstrual cycle. So if they are having a very hygienical thing, observing during this time, they are not going to get this cervical infection. This is very important. What is my next question? Next question is, madam, what is ovarian cyst and how to cure it? What is? Ovarian cyst. And how to cure it? Cyst, yeah. If you see, there are two type of cyst. One is the normal cyst. So it is also related with the what you told. It is because of the hormonal changes in the ovaries. No, so that is the normal functional cyst. So when there is a that follicular stage, she will get this cyst, and when she get the period, it will rupture. So this is the normal cyst, ovarian cyst. But if there is some gadbad in this hormones, then she will get a hemorrhagic cyst also. When there is a corpus luteum, and when it is not ruptured properly, then also that will continue, that corpus, and it is a corpus luteum cyst. So this all related with the hormonal up and down level. And sometime I think if this cyst is more than 4 centimeters, sometime it get twist and she get a very severe pain. And if it is more than 4 centimeters, we have to remove that by operation, otherwise it will cause a very acute pain, and we have to remove this cyst in an emergency. So this all related with the hormonal changes during the ovaries, and this all hormones are related in the ovarian cycle. So this all because of that cyclical changes in the hormones, estrogen, progesterone, follicular cysteine, and the luteinizing hormone. Madam, one more question is there. If girl have continuous 2 month period, what it means? See, there is a one condition. It is called the PCOS, polycystic ovarian syndrome. So in that, I think the continuously one hormone is only getting released. No, for that only I think she is getting continuous bleeding. So for any normal cycle, we need estrogen and progesterone. The first 15 days is estrogen, and the second that 50 days is progesterone. Continuously she is secreting with the estrogen, then that cycle will continue. And she will just go on bleeding for a month, for a two, for a three. So for that only we have to break the cycle, and we have to give the progesterone. If we will give the progesterone, so the wall of the uterus, because it all depends upon the uterine wall. So if we will break that wall by giving the progesterone, that wall will break, and she will menstruate, and the bleeding will stop. So for that only the progesterone hormone is very, very important. So both hormones should come in a very regular manner. Then only we can do the proper bleeding at proper time. So sometimes we are starting the tablet of progesterone on 16th day. We are giving for the 10th day. Then it will drop, so she will get the menstrual cycle. So any more questions for Usha, madam? Is anybody still willing to ask anything? Aap apne aap ko unmute karke bhi pooch sakte hain. Haan, sure. So, madam, I think only this many questions presently. You may go for your hospital, no problem. Yeah. But, thank you very much, Nihal Ben. Thank you so much for your presence. This is a very important day, and
this we are usually observing since 2014 only, when our Prime Minister, I think he declared this Swachh Bharat Abhiyan. And with that only, I think we are also observing this, the menstrual hygiene day, you know. Thank you very much, Kimi. I think you're doing all these things. Usha ma'am. Haan ji, bolo, 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 sahib, bolo. Good evening. Kim Cho, good evening. Yeah, no, fine, no, fine. I can see one question in this chat box that is from Shivangi Zaveri. Yeah. Sir, that I will take, that I will take. That is not a gynec related question. It's about stress that I will handle. No, no, it is regarding continuous bleeding. No, that is taken up, continuous bleeding. Okay. Joiloha. Okay, let's finish that off. She is asking stress related to menstrual cycle. Does it cause late periods? It does cause definitely, late definitely. It will cause. Okay, it will cause. You know, it will cause. I think delay period also. It will cause irregular period also. It will cause this spotting also. So stress is nowadays very very important on the normal menstrual cycle. No, no, she has asked something in a different way. Yeah. A girl bleed, why during the period even, why a girl do not bleed continuously? Why it is so that for a few times bleeding will be there? Oh, yes, yes. I'm sorry. It is all related upon, see, the ovarian cycle and uterine cycle, you know. This uterine cycle and ovarian cycle, these both cycles are depends on their hormones. So once there is a estrogen peak, then immediately there is a drop and then there is a progesterone. Mm-hmm. So that's why she is bleeding just for 5 days only. Then again, that cycle will start. Estrogen will start releasing so that bleeding will stop and the uterus is preparing for the next cycle. So that's why she is bleeding for 5 to 10 days or 8 days maximum and then it stops. So I'm sorry, I did not see that question. There is one more question, madam, from Tripti Ben. She is asking related to the right age to take prevention for cervical cancer. Yes. See, nowadays there is a cervical vaccine is available. You know, so this vaccine, I think there are two types of vaccine. So we always suggest ki when the girl is crossing the age of 12th year. So if she is taking that vaccine between 12 to 14 years of the age group, she has to take only two vaccines. First on day one and the second vaccine after 6 months. If she has already crossed the 14 years, then she has to take three vaccines. One day, first in first one, then second after 2 months and third after 6 months. The age group is from 12 to 42 to 45 years of the age group. So I think there are a lot of, it is a very important vaccine. I think we must give to our girls and it will prevent the cervical cancer also. And same time, even it can prevent the anal cancer also, because it is very, very important for the boys also. See, in our country, we are not going to the boys, but in Western countries, they are going to this same vaccine to the boys also. So this is very important, that what not, because this all are pre-cancerous condition. Okay, thank you so much, ma'am. Yeah. So once again, thank you very much. And Mukesh bhai, good night. Good night. So we'll continue, friends, for a few more slides and then we will end up the session. So I was talking about premenstrual syndrome. Let me move on to another disorder, that is PMDD. So many of you might have found out that many of the ladies, they become extremely violent during the time of periods or when periods are supposed to come. Or उनको ऐसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई, बहुत होपलेस और हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ जाती है. दैट इज मे बी दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम प्रीमेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर. अब ये दो चीजें पीएमएस और पीएमडीडी आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं. हमने वहां पे ऑलरेडी
काफी सारा मटेरियल लोड किया है. मैंने एक टेस्ट भी ऑनलाइन जनरेट करके रखी है जिसमें अगर वो लेडीज अपने सिम्टम्स डालेंगी दे विल कम टू नो कि वो एक्चुअली पीएमएस से सफर करती हैं या नहीं. सो प्लीज टेक चांस टू विजिट द वेबसाइट एंड फाइंड आउट एक्चुअली उन्हें पीएमएस है या नहीं, क्योंकि काफी सारे केसेस में बहुत ज्यादा पीएमएस होता है. ऑलमोस्ट वर्ल्ड अराउंड 80% फीमेल्स दे सफर फ्रॉम वन और दी अदर सिम्टम ऑफ पीएमएस. इट्स वेरी वेरी कॉमन. 95 से भी ज्यादा अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं ये पीएमएस में, और जब ये पीरियड्स आता है तो ये पीएमएस ऑटोमेटिक चला जाता है, पर उस टाइम पे काफी सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं. अपने बच्चों को और अपने माने नो बहनों को सपोर्ट आप कर सकते हैं बाय एजुकेटिंग देम थ्रू दिस कॉमिक बुक. अगर आपकी लड़कियां बहुत छोटी हैं, 8, 9, 10 साल की हैं, और आप चाहते हैं कि उनको इंट्रोड्यूस किया जाए पीरियड से, तो आप ये मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है. हर भारतीय लैंग्वेज में ये मिल जाएगी, आप इसको खरीद सकते हैं. ये ऑडियो विजुअल मोड से डिजिटल फॉर्म में भी अब अवेलेबल है, तो वो आप लीजिए, उनको वो दीजिए. ये एक स्टोरी बुक के हिसाब से चलती है, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें पीरियड्स के रिलेटेड छोटे बच्चों के लिए आ जाती हैं. एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक. देयर इज अ कैरेक्टर राधा दीदी करके, एंड देन शी इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन द कार्टून मैनर. तो वो बच्चों को बहुत आसान तरीके से आप समझा सकते हैं. रिसेंटली मेंस्ट्रुपीडिया ने फ्लो बॉडी ऐप करके एक छोटा सा एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, जो अब अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है. ये हिंदी में भी अवेलेबल है. इसमें भी काफी स्टोरीज की मदद से आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंसेस के साइंटिफिक एस्पेक्ट बच्चों को समझा सकते हैं. तो इससे यंग गर्ल्स जो हैं, जो टीनेज में आ रही हैं, उनको काफी मदद हो जाएगी. जो एडल्टहुड वाली टीनेज से थोड़ी ऊपर वाली जो लड़कियां हैं, बड़ी लड़कियां, वो इस प्रकार के अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल के एप्स यूज कर सकती हैं, जिससे उनको अपना पीरियड का डेट और साइकिल कैसे चल रहा है वो कैलेंडर नोट डाउन करने में आसानी होगी. ये बहुत ही स्टैंडर्ड और पॉपुलर मेंस्ट्रुअल एप्स हैं जो वर्ल्ड अराउंड यूज किए जाते हैं. इसको आप आराम से मोबाइल में डाउनलोड करके आप अपने ओव्यूलेशन टाइम और अपने मेंसेस डेट को नोट डाउन करके अपना साइकिल फॉलो कर सकते हैं. तो ये आप उन्हें सिखाइए, उन्हें बताइए. देयर वर क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेदर देयर इज एनी ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट और इम्पैक्ट ऑफ एनी अदर नो जियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑन विमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मून साइकिल के साथ विमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिलेट किया जाता है, पर उसके लिए साइंस में कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है. अभी भी उसको हाइपोथेसिस माना जाता है. बट मून साइकिल डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑलमोस्ट एवरीबडीज इमोशनल मैटर. तो वो मून साइकिल के साथ हमारा इमोशनल राइज एंड लो होता है, पर उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक अवेलेबल नहीं है. किसी ने ऐसा भी पूछा था कि उन्हें स्पिरिचुअल डायमेंशन जानना है विमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिलेटेड, और शबरीमाल का बहुत ही टॉक्ड अबाउट कंट्रोवर्शियल इश्यू हम सब जानते हैं. तो मैं आज ये जो सीनू जोसेफ की बुक है विमेन एंड शबरीमाल, ये मैं शेयर करूंगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको पढ़िएगा. ऋतु विद्या सीनू जोसेफ की दूसरी किताब है, जिसके जो बहुत साइंटिफिकली स्टडी करके उन्होंने बनाई है मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिसेस के बारे में. इसको आप एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो मैं इस अभी नो स्पिरिचुअलिटी और मेंस्ट्रुअल साइकिल को टच नहीं करूंगी, पर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपके लिए काफी सारा मटीरियल छोड़ूंगी जिसकी मदद से आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे. तो फ्रेंड्स, मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, पर मैं जगीवाला सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 5 मिनट लेके नो जो जिन लोगों के क्वेश्चंस थे कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन टू पीरियड्स या पीरियड्स और साइकोलॉजी कैसे काम करती हैं बहनों की, क्यों उनका मूड स्विंग होता है और क्यों वो इतनी चेंज हो जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स को बता दें सर प्लीज. हाँ. Is there a questions being loaded over there? Because I couldn't see any questions. Probably. No, I have got the questions. Site questions there. Good evening, everyone. Site ma, माने chat box में questions नहीं है. Registration जो किए थे उसमें questions है related to psychological dimension of this problem. नहीं, ये बात तो है ही, और आपने काफी चीजें cover कर ली हैं. Congratulations to you, Dr. Nehal, कि period के दौरान और पीरियड से पहले भी प्री मेंस्ट्रुअल एज यू आर हैविंग विद दिस पीएमएस इश्यूज द सेम डे
कि बिफोर पीरियड्स आल्सो पीपल द गर्ल्स एंड स्पेशली द मैरिड वुमन इन द अर्लियर डेज ऑफ देयर मैरिज उन लोग को काफी टेंस रहते हैं अगर वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो टेंस रहते हैं अगर वो लोग प्रेगनेंसी इमीडिएटली मतलब आफ्टर मैरिज अगर वो चाहते हैं तो टेंस रहते हैं कि दूसरा पीरियड आ गया तो मेरा क्या होगा पीरियड आ जाएगा क्या हाल होगा बिकॉज दे वॉन्ट प्रेगनेंसी सो इस तरह से अगर इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन कि भाई उनकी प्रायोरिटी क्या है अगर जिन लोग को प्रेगनेंसी चाहिए और उनको अंदर से डर रहता है कि मेरी पीरियड आ गया तो मेरी प्रेगनेंसी नहीं रहेगी मेरा एक महीना और निकम्मा हो जाएगा तो ये बातें जो रहती है उनके दिमाग के अंदर चलती रहती हैं वो काफी चीज उनको टेंस करती रहती है कई बार ये सब बातों की वजह से इवन डिलेड पीरियड आते हैं क्योंकि वो टेंस रहते हैं हमारा क्या हाल होगा अगर उनको नहीं प्रेगनेंसी चाहिए एंड दे हैव सपोज दे हैव अंडरगॉन द इंटरकोर्स इन ड्यूरिंग द डेंजर पीरियड आल्सो दैट मींस द कि भाई जो मिडिल पीरियड ऑफ द साइकिल जो है कि 9th डे टू 14th स्पेशली अंटिल 16th और 18th डे अगर दे हैव अंडरगॉन द इंटरकोर्स और विदाउट एनी प्रिवेंटिव मेजर्स तो उनको डर रहता है कि कुछ हो गया तो क्या हाल हो जाएगी और उसके बाद में वो टेंस रहते हैं और टेंस रहने की वजह से हालांकि उनको कंसेप्शन की कंसीव होने की वजह से एमेनोरिया नहीं है कंसीव होने की वजह से उनका पीरियड नहीं आया ऐसा नहीं है लेकिन टेंस होने की वजह से उनका पीरियड डिलेड हो जाता है ऐसे लोगों को काउंसिल करते हैं ऐसे लोगों को सिर्फ हम इतना बताते हैं कि आप बिल्कुल टेंस मत होइए उनका जो रेगुलर काम है बॉडी का बॉडी को करने दो बॉडी अपने आप से आपको जो रिजल्ट देना है अगर आपने खुद ने प्रिकॉशंस लिए हैं अगर आपने खुद ने ऐसा कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से कंस्यूम हो जाए तो फिर टेंस क्यों होते हैं इवन विद प्रिवेंटिव मेजर्स वो लोग प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं फिर भी टेंस रहते हैं तो ये सब बातें हर एक लेडी को हर एक फीमेल को हर एक स्पेशली मैरिड वुमेन को खास तौर से बोलते हैं कि ऐसे टेंस मत रहिए अगर आप डिप्रेस्ड हैं अगर आप फैमिली एटमोस्फियर से अगर आप एडजस्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि यू आर इन अनदर एटमोस्फियर ड्यूरिंग योर बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ ऑफ अ मैरिज लाइफ तो उस वक्त भी आपको टेंस महसूस करते हैं उस वक्त भी आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशनल प्रॉब्लम है मतलब मैं नहीं सेट हो पा रही हूं तो ये सब बातें ऐसी होती हैं कि जो आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड के ऊपर इफेक्ट करती है मेंस्ट्रुअल पीरियड इतनी सेंसिटिव बात है कि वैसे उनको कैजुअल नॉर्मल ही लेनी चाहिए लेकिन इतने टेंस हो जाते हैं कि इस तरह से रहेगा मैं कैसे सेट हो पाऊंगी या तो कुछ डिप्रेसिव फेसेस आ गए इन लॉज को अगर फेस नहीं कर पाते हैं तो उस सारी बात के दौरान उनको स्ट्रेस महसूस होता है और स्ट्रेस महसूस होने की वजह से वो एमिनोरिया में जाती है मतलब कि पीरियड डिले हो जाते हैं और उस वक्त अगर उनको काउंसिल करते हैं उनको एंग्जियोलाइटिक मतलब कि एंग्जियस न रहे एंग्जाइटी न रहे उस तरह से मेडिसिन देते हैं तो इमीडिएटली विद इन कपल ऑफ डेज वो पीरियड आ जाते हैं उस वक्त मतलब हार्मोनल चेंजेस उतना नहीं है ऐसा नहीं है कि भी उनको एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट देनी पड़ेगी लेकिन उस वक्त ऐसे एंग्जियोलाइटिक मेडिसिन देने से भी पीरियड आ जाते हैं और उसी तरह से दूसरी बात यह भी है कि उनके मेंटल स्टेटस के ऊपर बहुत ही इफेक्ट रहती है मेंटल स्टेटस के ऊपर पीरियड की और उसके साथ साथ में फैमिली मतलब अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल लाइफ की वजह से इतनी सारी इफेक्ट रहती हैं कि फ्री माइंड से जो रहना चाहिए वो नहीं रहते मैं हर एक से गुजारिश करूंगा हर एक से अपील करूंगा कि जैसे रूटीन लाइफ है जैसे बॉडी खाना चाहती है बॉडी सोना चाहती है बॉडी के लिए डिफिकेशन है बॉडी के लिए यूरिनेशन है उसी तरह से ये भी एक मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो भी बॉडी की नेचुरल फिनोमिना है और नेचुरल फिनोमिना को आप एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट करके उनको नेचुरल बेस पे ही गुजारिश कीजिए इवन इफ यू आर अ मैरिड कपल
तो उस वक्त भी नेचुरल फिनोमिना की तरह जाइए, क्योंकि कई बार क्या है, इतने सारे स्ट्रेस रहते हैं कि इफ यू हैव अर्ज टू गो फॉर द सेक्स देन यू डोंट, बट यू फील सैड, यू डोंट आस्क फॉर फ्रॉम योर पार्टनर. एंड अगर इस तरह से हो जाता है तो दूसरे दिन मॉर्निंग, हम तो ऐसा कहते हैं कि दूसरे दिन मॉर्निंग वो कपल को चाय अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर डिससेटिस्फेक्शन बैठा हुआ है और डिससेटिस्फेक्शन की वजह से शी इज नॉट नॉर्मल विथ हर मेंटल स्टेटस, इरिटेबल रहती है. और इस तरह से इरिटेबल नहीं रहना चाहिए. आप अपने अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए, अपने आप को आप एक्सपोज कीजिए. और जब अपने पार्टनर होते हैं, पार्टनर के साथ में आप शेयर कर लीजिए. जब आप शेयर कर दोगे तो आपके रिलैक्स हो जाएंगे. इवन दो यू मे नॉट परफॉर्म इट, लेकिन शेयर करेंगे तो भी आप काफी रिलैक्स हो जाएंगे. और उसी तरह से इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ यू आर नॉट इन अ पोजिशन आइदर मेंटली और फिजिकली, देन यू कैन रिफ्यूज ऑल्सो. कई बार क्या होता है, फीमेल हमेशा यही बोलती रहती है, हमें क्या करना है, तो सरेंडर होना पड़ता है, वी कैन नॉट रेजिस्ट. लेकिन वैसा भी नहीं होना चाहिए. इवन दो यू सरेंडर, but that also gives you the mental stress. तो उस वो चीज को भी ख्याल रखना है कि if you are not interested, if you are not comfortable, easily and very frankly, you can refuse, you can say no. तो ये सब बातें ऐसी हैं कि जो आपको स्ट्रेस देती हैं. और स्ट्रेस में नहीं, क्योंकि ये एक दिन का स्ट्रेस जो है वो पूरे साइकिल के ऊपर इफेक्ट करता है. और उसी कारण साइकिल के ऊपर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर ऐसा कोई भी स्ट्रेस ना रहे, वो चीज का आप ख्याल रखेंगे तो शायद स्ट्रेस का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इजी लाइफ रहेगी. और सिर्फ इसकी वजह से जो स्ट्रेस में, बाकी सब कामों में भी आप अपने कॉग्निटिव फंक्शंस में, आपको खाने की मन नहीं करता है, कहीं काम करने का मन नहीं करता है, कहीं भी बोला कुछ मूड नहीं जम रहा है, ऐसी जो बातें आती हैं उसमें से आप बाहर निकल जाओगे. तो अच्छी तरह से आप खुद फैमिली लाइफ आप गुजारिश कर पाएंगे, अच्छी तरह से आप फैमिली लाइफ एंजॉय कर पाएंगे. तो ये मेरे आप सबसे विनती, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बी फ्रैंक एंड बी वेरी मच ओपन टू योर पार्टनर, बी वेरी मच फ्रैंक विथ योर फैमिली मेंबर्स. ऐसा शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वो नेचुरल फिनोमिना है. पहले के दिनों में मिक्स बहुत सारे होते थे, मिक्स की बात छोड़ दो, मिक्स की बातों में नेहल मैम ने बहुत सारा कहा है. तो ये सब बातें ऐसी हैं जो आपको फ्रैंक होके करनी है. स्ट्रेस के साथ में नहीं जाना है, एंग्जियस नहीं रहना है, साइकोसोमेटिक इलनेस के तौर पे भी वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये साइकिक प्रॉब्लम होने की वजह से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से सोमा पे, मतलब कि आपकी बॉडी पे सोमेटिक इफेक्ट आ गई और वो वजह से पीरियड लेट हो जाता है. I think I have given proper explanation, probably to the person who might have asked this, I'd have been satisfied with the answer. Yes, sir. Thank you. So thank you very much, all the participants for remaining present for this wonderful session. We appreciate your presence, and we request you to switch on your videos for a group photo, so that we have a memory of all of you with us. Thank you very much, Nehal ma'am and Rutuja. Thank you, sir, so much for always being there for our side. So, requesting everybody to please switch on your videos. Let's make this 28th May remarkable and memorable day. Females should have the, So I can't see Sathya and Anita ji, please, if you can switch on. Nehal ma'am, you have for menstruation you have explained the things. I can say it's a proud for the female also that even this cycle is starting with the title MEN. Menstrual, it start with the MEN means there also the man is involved. So that is why we kept the title of the event Men for Women. For Women, yes. And in few of our posters, we kept it Men in Menstruation. Yes. So that was an indication. See, nobody is complete without each other's support. So yes. That's how it is made. दो हाथ से ही ताली बजती हैं, clap उसी तरह कर सकते हैं. So Khushbu, I think you can click the picture.
सो सब लोग अच्छी सी स्माइल दें, आज हमने बहुत बढ़िया काम किया. इट्स डन, थैंक यू सो मच. डू नॉट लीव द व्हाट्सएप ग्रुप. हम लोग काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में रखेंगे, तो आपको काफी मटेरियल वहां से मिल जाएगा. अगर कोई क्वेश्चंस रह चुके हैं तो आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा. सर और उषा मैडम वहां पे हैं. थैंक यू विनय जी फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. मे आई लीव नाउ? आई हैव अनदर. यस सर, यस सर. थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस. यस सर. थैंक यू.